वैसे तो आज का सब कार्यक्रम एक औपचारिकता है, लेकिन एक सुखद औपचारिकता है। हर वर्ष डीएवीपी अगले वर्ष का कैलेंडर रिलीज करता है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर होता है और केवल सरकार में नहीं, सरकार के बाहर भी इस कैलेंडर की बहुत बड़ी स्वीकृति होती है। लेकिन इस वर्ष का कार्यक्रम थोड़ा सा भिन्न है। सरकार के दो मेनस्ट्रीम कार्यक्रम ऐसे हैं, इस वर्ष उन दोनों का कन्वर्जेंस इस कैलेंडर में है। पहला एक सामाजिक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत का, और इसलिए वो कार्यक्रम इस कैलेंडर के विजुअल्स में रिफ्लेक्टेड है। हर माह के साथ स्वच्छ भारत का एक संदेश है। जहां जहां ये कैलेंडर दिखेगा वहां वहां ये स्थायी रूप से स्वच्छ भारत का एक संदेश फैलाएगा, और मुझे विश्वास है कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक दूसरा कार्यक्रम भी है डिजिटल इंडिया का। वो एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, इकोनॉमिक प्रोग्राम है सरकार का, और इसलिए इस बार उसकी कन्वर्जेंस भी है कि वही कैलेंडर एक डिजिटल स्वरूप में भी उपलब्ध होगा। अब डिजिटल स्वरूप में भारत सरकार का कैलेंडर उपलब्ध होता है तो कैलेंडर की पूरी कल्पना बदल जाती है। वो कैलेंडर का आपको खरीदना नहीं पड़ता, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाता है। वो 24 घंटे आपकी जेब में रह सकता है, और उस कैलेंडर के साथ साथ अलग एप्लीकेशंस जो हैं, जो अभी डेमोंस्ट्रेट करके बतलाई गई कि आपको सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की, विभिन्न विभागों की, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार की, पीआईबी की, अलग अलग समाचारों की, उसकी जानकारी भी उपलब्ध होती है। मुझे लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आगे इसी प्रकार से बढ़ती रही तो वार्षिक कैलेंडर के स्थान पर शायद पूरे युग का कैलेंडर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। और ये एक स्वाभाविक है कि कोई टेक्नोलॉजी को डिफाई नहीं कर सकता, उसका जितना अधिक प्रयोग होगा समाज को उतना लाभ होगा, और इसलिए हम उस मध्यम मार्ग में हैं जहां कन्वेंशनल कैलेंडर और टेक्नोलॉजिकल कैलेंडर दोनों की उपलब्धि इस वर्ष आरंभ हुई है। डीएवीपी का एक ये फ्लैगशिप कार्यक्रम रहता है। डीएवीपी केवल सरकार के कार्यक्रमों को प्रचलित करने का एक माध्यम नहीं है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी डीएवीपी के पीछे रहता है, और इसलिए उनकी एक स्किल, एक कला इसमें बढ़ती जा रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती जा रही है। मैं डीएवीपी को, उनके अधिकारियों को, डायरेक्टर्स को, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कन्वेंशनल और फ्यूचरिस्टिक इन दोनों का मेल करके डीएवीपी इस काम को और आगे बढ़ाता रहेगा। डीएवीपी का हार्दिक अभिनंदन, और आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।